Hello students, in the last lecture we have started with the classification of elements, and in the classification of elements we have started with the passive elements, and in the passive elements we have started with the element resistor. Okay, we have studied in detail what are the properties of resistor, what is Ohm's law and what is the series and parallel connections, and as I told you in the previous video that today we will solve the numericals of series and parallel connections. Okay, so let's take a first numerical of series and parallel connection. If I draw one circuit where resistors are in series and parallel and we need to find out the equivalent resistor, okay, here we need to find out the equivalent resistance between A and B. This is my circuit. Okay, very long circuit. I take each resistance value R. Now here we want to determine the equivalent resistance between A and B. Okay, और यहां पर हर एक resistance की value क्या है आपकी? R है. Okay, now अगर हम लोग यहां पर check करें तो circuit आपका बहुत बड़ा है. ओके, कुछ पार्ट आपका ऊपर की तरफ बना हुआ है, कुछ नीचे की तरफ बना हुआ है, कुछ लेफ्ट साइड है, कुछ राइट साइड है. ओके, अगर सिंपल सा सर्किट होता तो वी कैन इजीली सी द सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन. ओके, नाउ रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज, व्हेनेवर द सर्किट इज वेरी बिग देन ऑलवेज लुक फॉर अ शॉर्ट सर्किट, बिग शॉर्ट सर्किट. एक्चुअली हियर द पॉइंट इज ए. ओके, नाउ here also the point is A because there is no element connected. Here also point is A. Here also point is A as no element is connected in this line. Okay, now here point is B. Here also no element is connected, so point is B. Here also no element is connected, so point is B. Okay, so agar hum log yahan par dekhen to aapka 3 टू 4 पॉइंट्स आपका ए है और 3 टू 4 पॉइंट्स आपका बी है, मतलब सेम पॉइंट है. बहुत सारे पॉइंट्स अभी दिख रहे थे लेकिन वो पॉइंट्स बहुत कम थे आपके. अगर हम यहां देखें ये पॉइंट आपका जो रिमेनिंग है, वहां पर अगर हम देखें ए और इस पॉइंट के बीच में एक रजिस्टर कनेक्टेड है तो आपका पॉइंट चेंज हो गया. तो अगर हम इस पॉइंट को सी ले लें, सेम सी और इस नेक्स्ट पॉइंट के बीच में एक एलिमेंट कनेक्टेड है आपका, सो अगर इस पॉइंट को हम लोग डी ले लें, ओके, सो सारे पॉइंट्स आपके कवर हो गए. ठीक है, तो आपको सिर्फ इस तरह के न्यूमेरिकल में ध्यान क्या रखना है, जब भी दो पॉइंट्स के बीच में कोई एलिमेंट कनेक्टेड हो तो आपका पॉइंट चेंज है, और अगर दो पॉइंट्स के बीच में कोई एलिमेंट कनेक्टेड ना हो तो वो दो पॉइंट नहीं है, वो आपके एक ही पॉइंट है, वो कहलाता है आपका शॉर्ट सर्किट. ओके, सो जब भी आपको बड़ा न्यूमेरिकल दिखाई दे सीरीज पैरेलल का, सबसे पहले आपको शॉर्ट सर्किट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए, सर्किट को रीड्रॉ करने की कोशिश करनी चाहिए. ओके, So, अगर हम लोग ध्यान से देखें, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स के दोनों पॉइंट्स अगर सेम हो तो वो आपके पैरेलल में होते हैं. तो अगर मैं इस रजिस्टर आर को देखूं तो यहां पर दोनों पॉइंट्स क्या है आपके, ए एंड सी. अगर इस रजिस्टर आर को देखूं तो दोनों पॉइंट्स क्या है आपके, ए एंड सी. अगर इस रजिस्टर आर को देखूं तब भी दोनों पॉइंट्स क्या है आपके, ए एंड सी. तो आपका ये आर, ये वाला आर एंड बिलो वाला आर, तीनों के तीनों किसमें आपके पैरेलल में. सेम यहां पर इस आर के दोनों पॉइंट्स क्या हैं, बी एंड डी. सेम इस आर के भी बी एंड डी हैं और इस आर के भी बी एंड डी हैं. सो ये तीनों आर भी किसमें हैं आपके, पैरेलल में हैं. ओके, तो अगर मैं सर्किट को यहां से रीड्रॉ करता हूं तो ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका पॉइंट आपका बी है, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी. ओके, सो पॉइंट ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है आपका, आर बाय थ्री, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस आपके किसमें हैं, पैरेलल में. सो अगर इक्विवेलेंट वैल्यू आपके पैरेलल में हो तो जितने रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे उससे आप क्या कर सकते हो, डिवाइड, डायरेक्ट सॉल्व करो, क्यों हम टाइम वेस्ट करें अपना फॉर्मूला लगा के. ओके, सेम बी और डी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है आपका, आर बाय थ्री है. ओके, नाउ सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है आपका, आर. हम लोग यहां ड्रॉ कर सकते हैं आर. सेम ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है आपका, आर. सो दिस इज ऑल्सो आर.
सो अगर हम क्लियरली यहां पर देखें, इतना बड़ा जो आपका सर्किट था वो कन्वर्ट हो गया इस स्मॉल सर्किट में। तो एक्चुअल में सर्किट आपका यही था, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इतने सारे नोट्स दिए थे और इतना बड़ा सर्किट दिया हुआ था। ओके, अब हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस कैलकुलेट करना है, ए और बी के अक्रॉस। ओके, सो यहां पर आपका पॉइंट ए है, यहां पर आपका पॉइंट बी है, सो हमें ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ओके, सो रूल क्या कहता है, जहां हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है बिल्कुल उसके अपोजिट एंड से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका जो R बाई थ्री है, ये R है और ये R बाई थ्री है, ये तीनों किसमें हो जाएंगे आपके सीरीज में, और ये जो R है ये इन तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन के किसमें हो जाएगा आपका पैरेलल में। सो अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें R ऑफ ए बी तो कितना हो जाएगा आपका R बाई थ्री प्लस R प्लस R बाई थ्री और उसके पैरेलल में कितना आ जाएगा आपका R। ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सिंपल सीरीज एंड पैरेलल को। ओके, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स में जो कि गेट में 2 मार्क्स में बहुत फेमस है और आईएएस के सब्जेक्टिव में बहुत फेमस है, इस तरह के न्यूमेरिकल में जब न्यूमेरिकल बहुत बड़े हो तो हमें सिर्फ शॉर्ट सर्किट आइडेंटिफाई करना है और अपने सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट या मिनिमाइज सर्किट में कन्वर्ट करना है। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब एक और न्यूमेरिकल लेते हैं इस तरह का, जहां पर आप लोगों को शॉर्ट सर्किट दिखाई देगा बहुत बड़ा। सो सपोज करिए यहां पर मैंने रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल कनेक्शन बना के एक सर्किट ड्रॉ किया है, यहां पर हमें अब फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। ओके, ऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं यहां भी आर ले रहा हूं, वैल्यू से इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लास्ट में सिर्फ कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, सिंपल मैथ्स है, बट मेन थिंग क्या है कि हमें सीरीज एंड पैरेलल क्लियर होना चाहिए। ओके, अगर हम यहां पर भी देखें तो आपका सर्किट ऊपर नीचे बना हुआ है। ओके, तो यहां पर भी सर्किट में हमें पैरेलल और सीरीज जब आइडेंटिफाई करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को शॉर्ट सर्किट आइडेंटिफाई करना है। क्या हमें इस सर्किट में बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट दिखाई दे रहा है? यस, आप अगर इस पॉइंट को देखें यहां पर तो ये पॉइंट ये पूरा शॉर्ट है आपका क्योंकि कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, सेम ये भी आपका क्या है पूरा शॉर्ट है, कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, सेम ये भी आपका पूरा क्या है शॉर्ट, कोई एलिमेंट आपका कनेक्टेड नहीं है। तो अगर मैं इस पॉइंट को पॉइंट सी दे दूं तो ये पॉइंट भी आपका क्या होगा पॉइंट सी, दिस इज ऑल्सो पॉइंट सी, ये भी आपका पॉइंट सी होगा एंड ये भी आपका क्या होगा पॉइंट सी। ओके, सो अगर मैं अब सर्किट को फिर से रीड्रॉ करूं तो अगर मैं इस रजिस्टर को देखूं आर को तो इसके दोनों तरफ आपके पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ए एंड सी। ओके, इसके दोनों तरफ आपके पॉइंट कौन कौन से हैं, ए एंड सी। तो ये आर और ये आर दोनों किसमें होंगे आपके पैरेलल में, सेम थिंग इस आर के दोनों तरफ पॉइंट कौन कौन से हैं आपके बी एंड सी, इस आर के दोनों तरफ पॉइंट कौन कौन से हैं आपके बी एंड सी, तो ये दोनों आर भी किसमें होंगे आपके पैरेलल में। तो अगर आप देखें यहां पर आउट ऑफ 5 रजिस्टर्स 4 रजिस्टर्स को आपने सॉल्व कर लिया है कि वो पैरेलल में है कि सीरीज में है। ओके, सिर्फ एक रजिस्टर बच गया आपका, तो आप सर्किट को रीड्रॉ कर लीजिए। यहां से सर्किट को अगर हम रीड्रॉ करने की कोशिश करें तो पॉइंट कौन कौन से हैं आपके, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है आपका बी और एक पॉइंट है आपका सी। ओके, सो ए और सी के बीच में कितना है आपका आर पैरेलल आर, कितना हो जाएगा आपका आर बाय 2। जैसा मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में कहा था कि अगर सेम वैल्यू के रजिस्टर पैरेलल में हो तो आप डिवाइड कर सकते हैं जितने रजिस्टर आपके पैरेलल में है, तो यहां पर 2 रजिस्टर्स पैरेलल में है तो आर बाय 2। सेम बी और सी के बीच में कितना हो जाएगा आर पैरेलल आर, अगेन आर बाय 2। अगर हम लोग ए और बी के बीच में देखें तो सिर्फ एक रजिस्टर रह गया आर। ओके, नाउ हम लोग को ए और बी के बीच में ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अगर आप देखेंगे जिस पॉइंट पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है उसके अपोजिट एंड से हम स्टार्ट करते हैं, तो अगेन हम यहां से स्टार्ट करेंगे। सो आर बाय 2 और आर बाय 2 किसमें है आपके सीरीज में, और ये जो आर होगा वो किसमें होगा आपका पैरेलल में। सो आर ऑफ ए बी जो है आपका अगेन कितना बन जाएगा आर बाई 2 प्लस आर बाई 2 पैरेलल आर। तो आर बाय 2 आर बाई 2 कितना होगा आपका आर पैरेलल आर, आंसर कितना आ जाएगा फिर से आपका R by 2। ओके, सो ये भी आपका बहुत इजी न्यूमेरिकल था, लास्ट कंसेप्ट से ही रिलेटेड था, लास्ट क्वेश्चन से ही रिलेटेड है बिल्कुल आपका,
कि आपको बड़े बड़े शॉर्ट सर्किट आइडेंटिफाई करने हैं, सर्किट को रीड्रॉ करना है जब भी आप सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं. ओके, नाउ इफ आई टेक नेक्स्ट न्यूमेरिकल, देन यहां पर एक नया कंसेप्ट हम लोग कंसिडर करते हैं. अब सपोज करो हमारा एक ब्लॉक है 1 ohm 2 ohm का. ओके, एक और ब्लॉक है 1 ohm 2 ohm. ओके, नाउ देयर इज वन मोर ब्लॉक 1 ohm and 2 ohm. अब आप बोलेंगे मैं कितने ब्लॉक्स बनाऊंगा, तो एक्चुअल में मुझे टोटल इनफिनाइट ब्लॉक्स बनाने हैं, तो इतने सारे तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम डैश डैश करके इसको रिमूव छोड़ देते हैं ऐसे ही. तो 1 ohm 2 ohm फुल एंड फाइनल. ओके, सो देयर आर टोटल इनफिनाइट ब्लॉक्स 1 ohm 2 ohm के. नाउ हम लोग को इस पॉइंट पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है आर. अगर हम लोग अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें यहां पर, तो यहां पर इनफिनाइट नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं. जैसा कि मैंने आपको कहा है कि जिस एंड पे हमें कैलकुलेट करना होता है उसके अपोजिट एंड से हम स्टार्ट करते हैं. तो अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो ये 1 ohm 2 ohm किसमें है, आपके सीरीज में. बट आगे क्या, यहां पर तो टोटल इनफिनाइट नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, तो क्या हम इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम सीरीज पैरेलल करते रहेंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है. गेट के एग्जाम के 3 hours ऐसे ही खत्म हो जाएंगे हमारे. ओके, तब भी नहीं हो पाएगा, है कि नहीं. तो नाउ अगर अब हम लोग देखें यहां पर एक कंसेप्ट को समझें कि पीरियोडिसिटी क्या होती है. पीरियोडिसिटी जैसे हम पढ़ते हैं जब कोई सिग्नल बार बार रिपीट होता है तो उसको हम पीरियोडिक सिग्नल बोलते हैं. ओके, यहां पर भी अगर हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, रिलेट करने की कोशिश करें उस कंसेप्ट को, तो यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर जो ब्लॉक्स हैं 1 ohm और 2 ohm के, ये जो आपका ब्लॉक है 1 ohm और 2 ohm का, सेम ये अगेन जो ब्लॉक है 1 ohm और 2 ohm का, ये देखो ये ब्लॉक बार बार आपका रिपीट हो रहा है. एंड में भी देखो क्या है, 1 ohm and 2 ohm है. ठीक है, तो अगर हम इस बात को समझे कि ब्लॉक्स हमारे बार बार सेम ब्लॉक्स हमारे रिपीट हो रहे हैं, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं सिमिलरिटी का यूज करके? यस, क्योंकि हम इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तो कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं, तो क्या इस सिमिलरिटी से कोई कॉन्सेप्ट मिलेगा हमें? ठीक है, तो आप देखेंगे यहां इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है. ठीक है, तो अगर हम एक कंसेप्ट को दिमाग में रखें कि भाई इन्फिनिटी माइनस वन क्या होता है, तो आप बोलेंगे बहुत ईजी है, इन्फिनिटी होता है. ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं इस फर्स्ट ब्लॉक को रिमूव कर दूं सपोज करो, और मैं इस पॉइंट से देखना स्टार्ट करूं, तब भी मेरे कितने ब्लॉक होंगे 1 ohm 2 ohm के एंड तक, इनफिनाइट नंबर ऑफ ब्लॉक्स ही होंगे. ओके, तो जब नंबर ऑफ ब्लॉक्स सेम है तो इस पॉइंट से देखने पर भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, आर ही होगा. देखिए ना, इस पॉइंट पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था एंड तक देखने पर, आर था. ओके, अगर मैं एक ब्लॉक को रिमूव कर दिया तो इन्फिनिटी माइनस वन भी इन्फिनिटी होता है, तो तब भी आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा लास्ट तक देखने पर, आर ही होगा. क्लियर है यहां तक? तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं अगर इस ब्लॉक को, फर्स्ट ब्लॉक को फिर से ड्रॉ करूं, जो कि कितना है आपका 1 ohm और 2 ohm का है. ठीक है, अब अगर जैसा कि आर यहां पर लिखा था, मैं वापस से आर लिख देता हूं. अब अगर मैं यहां पर देखूं, यहां से अगर देखना स्टार्ट करूं यहां से, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, फिर से आपका आर है. और आप देखो जो बाकी रिमेनिंग ब्लॉक हैं वो फर्स्ट ब्लॉक से कैसे कनेक्टेड हैं, आपके पैरेलली कनेक्टेड हैं इस तरह से. तो हम लोग यहां पर टोटल रेजिस्टेंस बाकी रिमेनिंग ब्लॉक का कितना लिख सकते हैं, आर. ओके, बस यहां पर कंसेप्ट क्या यूज हुआ है, फर्स्ट इज पीरियोडिसिटी कि सेम ब्लॉक्स आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, और सेकेंड इज इन्फिनिटी में से आप कुछ भी माइनस करिए कुछ भी प्लस करिए हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है. ओके, तो अब ये क्वेश्चन हमारा बहुत ईजी हो गया. अगर आप देखें आपको यहां से आर कैलकुलेट करना है तो आप एंड से स्टार्ट करेंगे, तो टू और आर किसमें है आपके पैरेलल में, और ये वन किसमें है आपका सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा आर आपका, टू पैरेलल आर प्लस वन. ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2R upon 2+R+1. ओके, तो अब अगर इस R को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लें तो हमें R की वैल्यू निकल आएगी, जो आपके लिए होमवर्क है. ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मुझे ये आंसर दे सकते हैं, या इसी वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में आंसर मुझे दे सकते हैं. ठीक है ना, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, आई टेक अनदर कॉन्सेप्ट. सपोज देयर इज अ सर्किट
of series and parallel combination of resistors, but this circuit is in the form of bridge. Okay, now I take the value here 2 ohm, here 4 ohm, here I take the value 4 ohm, and here 8 ohm. Okay, now we want a equivalent resistance R. Okay, now agar hum log yahan se ab dekhen to hame samajh nahi aa raha hai kyunki na to ye series jaisa dikh raha hai na hi parallel jaisa, kyunki agar hum yahan se equivalent resistance calculate karna chahte hain to hame end se dekhna hoga. Yahan par ye na to series hai na hi parallel, hum identify nahi kar sakte ki series hai ki parallel hai. Okay, but agar hum is circuit ko dhyan se samjhe to is tarah ke circuit ko hum log kehte hain bridge circuit. Okay, अगर हम इस ब्रिज सर्किट को देखें तो ब्रिज सर्किट की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी ये होती है, सपोज करो मैं इस रेजिस्टर्स को नाम देता हूं R1, R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4. तो इस ब्रिज की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर R2 अपॉन R1 इक्वल है R4 अपॉन R3 के, देन जो आपका ब्रिज है वो आपका ब्रिज कहलाता है बैलेंस्ड ब्रिज. ओके, बैलेंस्ड है ब्रिज आपका. और अगर ब्रिज आपका बैलेंस्ड होता है तो ये जो आपका 10 ओम का रजिस्टर है मिडिल वाला, उसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाती है आपकी. तो ये आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस आपका रिमूव हो जाता है अगर आपका ब्रिज क्या है, बैलेंस है. तो हम लोग यहां चेक कर लेते हैं क्या R2 upon R1 कितना है आपका. अगर आप देखें तो ये है 4 by 2. R4 upon R3 कितना है आपका, ये है आपका 8 by 4. तो 4 by 2 कितना होता है, 2, 8 by 4 भी आपका 2 होता है, दोनों क्या है आपके इक्वल है, तो ब्रिज आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस. ओके, तो अगर आपका ब्रिज बैलेंस है तो इस 10 ओम की इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी. तो अगर मैं नेक्स्ट पेज में सर्किट को दोबारा ड्रॉ करूं अब, तो आप देख पाएंगे सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा 10 ओम को हटा देने के बाद. ओके, तो यहां पर आपके वैल्यूज क्या क्या थी, 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम एंड 8 ओम. तो 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम एंड दिस इज योर 8 ओम. ओके, नाउ अब आप क्लियरली अगर यहां से R कैलकुलेट करना चाहते हैं और एंड से अगर आप देखते हैं तो 4 और 8 किस में है आपके, सीरीज में. 2 और 4 किस में है आपके, अगेन सीरीज में. तो आपका कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2 प्लस 4 6 ओम. ओके, एंड दिस वन 4 प्लस 8 12 ओम. ओके, सो अगर आप यहां पर ध्यान से अगेन देखें, ये जो आपका 6 और 12 है वो किस में आ गया है आपका, पैरेलल में. सो जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है वो कितना हो जाएगा, 12 into 6, 12 plus 6 and this is your answer. ओके, सो न्यूमेरिकल आपका बहुत इजी हो गया. अगर आपका ब्रिज क्या था, बैलेंस में था. ओके, सपोज करिए अगर आपका ब्रिज बैलेंस में नहीं होता तो एक नया कंसेप्ट यूज करना पड़ता हमें, जो कि स्टार डेल्टा होता है, स्टार डेल्टा कॉन्फिगरेशंस, जो कि हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे. ओके, बट ये क्वेश्चन अपने माइंड में जरूर रखिएगा, अगर ब्रिज बैलेंस नहीं होगा तब हम किस तरह से सॉल्व करेंगे. आगे आने वाले लेक्चर्स में जरूर क्लियर करूंगा ये चीज कि जब ब्रिज बैलेंस नहीं होगा तो हम किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग कंसीडर करें यहां पर, सपोज करिए मैं एक और फिगर लेता हूं, एक अलग तरीके का फिगर लूं. अगर ये एक तरह से सर्किट आपका क्रॉस कर रहा है यहां पर, अगर आप देखें यहां पर, सपोज दिस इज 3 ओम, दिस इज 1 ओम, दिस इज आल्सो 1 ओम एंड 1 ओम. ओके, सो वी नीड टू फाइंड आउट equivalent resistance R here. Okay, so ये भी एक बिल्कुल new type का circuit है. अगर आप देखेंगे यहाँ बिल्कुल cross बन रहा है आपका. Okay, but ये connected नहीं है ना, मैंने यहाँ ऊपर से निकाला इस wire को. Okay, now हमें equivalent resistance calculate करना है. तो ये एक किस तरह का circuit है, यहाँ पर हम कैसे देख सकते हैं कि कौन सा series में है, कौन सा parallel में है. यहाँ भी बहुत difficulty हो रही है मैं देख पाने में. तो मैं आपको बता दूँ, आगे से जब भी आप कोई cross वाला इस तरह का circuit देखेंगे तो ये जो आपका सर्किट होता है वो भी एक्चुअली ब्रिज सर्किट ही है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है. अब आप बोलेंगे ये तो ब्रिज जैसा दिख नहीं रहा है हमें, तो इसे हमें रीड्रॉ करना होगा. जब भी आप क्रॉस वाला सर्किट देखें आपको सबसे पहले सर्किट को रीड्रॉ करना होगा,
और इस कंसेप्ट को समझना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे जाके जब हम थ्योरम्स पढ़ेंगे, टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ेंगे, तब भी इस तरह का सर्किट आप बहुत बार देखेंगे। तो अभी से हमें समझ लेना है कि इसे हम किस तरह से रीड्रॉ करते हैं ब्रिज के फॉर्म में। ओके, सपोज करो मैं यहां पर पॉइंट्स दे रहा हूं आपके एक्स, दिस इज योर एक्स डैश, दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर वाई डैश। ओके, अब अगर मैं सर्किट को रीड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपका। यहां पर जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो x और x डैश होगा, जो आउटर पॉइंट्स हैं, और जो इनर पॉइंट्स हैं वो आपके होंगे y एंड y डैश। इस तरह से आपको सर्किट ड्रॉ करना है। अब वैल्यूज की बात करें अगर हम लोग, तो आप देखिए ये पॉइंट क्या है, x है, और ये पॉइंट क्या है y, तो ये रेजिस्टेंस क्या होगा जो x और y के बीच का रजिस्टर है। तो देख लेते हैं x और y के बीच क्या कनेक्टेड है आपका फिगर से, 1 ओम, तो आप 1 ओम यहां लिख दीजिए। देन x और y डैश के बीच में क्या कनेक्टेड है, देखते हैं हम लोग यहां से, x एंड दिस इज योर y डैश, कितना कनेक्टेड है आपका, अगेन 1 ओम। यहां पर देखिए नेक्स्ट y और x डैश, तो यहां पर ये रहा आपका y पॉइंट, दिस इज x डैश पॉइंट, अगेन कितना कनेक्टेड है आपका, 1 ओम। अब लास्ट पॉइंट देखें, y डैश x डैश, दिस इज योर x डैश, दिस इज योर y डैश, अगेन कितना कनेक्टेड है, 1 ओम। ओके, सो अगर हम क्लियरली यहां पर देखें तो चारों रेजिस्टेंस आपके 1 ओम, 1 ओम एंड 1 ओम के हैं। सिंपली आपका ब्रिज रजिस्टर है, बीच में जो रजिस्टर है कितने का ओम का है, 3 ओम का है। तो हमें फिर से क्या चेक करना है, क्या ब्रिज आपका बैलेंस में है? तो ये तो सिंपल है बहुत, चारों ही 1 ओम है तो रेशियोज भी क्या होंगे आपके, सेम होंगे। तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि ब्रिज किस में है आपका, बैलेंस में है, ब्रिज इज बैलेंस्ड। अगर आपका ब्रिज बैलेंस्ड है तो ये 3 ओम की इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, फिनिश हो जाएगी। तो ये 1 ओम और 1 ओम किस में आ जाएंगे आपके, सीरीज में। ये 1 1 किस में आ जाएंगे, फिर से सीरीज में। एंड अगेन 2 पैरेलल 2 कितना हो जाएगा आंसर आपका, 1 ओम। क्लियर है ना, दिस 1 एंड 1 सीरीज, दिस 1 एंड 1 सीरीज, 2 एंड 2, सो 2 एंड 2 पैरेलल, आंसर विल बी 1 ओम। सो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं थी एक बार जब हमने ब्रिज सर्किट ड्रॉ कर लिया, लेकिन आपको ब्रिज सर्किट ड्रॉ करने से पहले ये पता होना चाहिए कि इस तरह के क्रॉसिंग वाले सर्किट ब्रिज में कन्वर्ट होते हैं, आपको रीड्रॉ करना आना चाहिए। ओके, सो ये आपके कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स थे सीरीज पैरेलल कनेक्शंस के ऊपर। आगे जब हम लोग और भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो हम और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे केवीएल के ऊपर, केसीएल के ऊपर, सीरीज पैरेलल के और भी न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में। ओके, थैंक यू।